करें, बहुत बहुत ग्राम रानीला की इस पावन धरा पर उस वीर सपूत शहीद चंद्रभान साहू को आज नमन करने यहाँ पर आए आपके सांसद धर्मवीर सिंह जी, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन भाई राजदीप फोगाट जी, आपके डिप्टी कमिश्नर प्रदीप गोदारा जी, मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तिगण, गांव की मेरी माताएं बहनें बुजुर्गों युवा साथियों, पहले तो मैं साहू परिवार में खास तौर पर तीसरी पीढ़ी का जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है कि उस वीर सपूत की आज 57 साल बाद स्मृति लगाना मेरे ख्याल से इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं होगी। भी तीसरी पीढ़ी ने आकर अपने पूर्वजों के बलिदान को याद करने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, 65 का जन्म हमारे तो जन्म से पहले है, शायद नरेश जी ने, धर्मवीर जी ने, इनने तो अपने जीवन काल में सुना होगा जब ये भी बचपन में थे, मगर उस समय परिस्थितियां क्या थी और उन परिस्थितियों में कैसे लड़ा गया ये हिस्ट्री में बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे तो पिछले दिनों जब विजय दिवस की हम 85वीं वर्षगांठ बना रहे थे तो उस समय जनरल मलिक रहे हुए अपने हरियाणा से आर्मी में, उनने आकर सारा इतिहास बताया कि 65 के समय में कैसी हालात, कैसे मौसम में और कैसे वर्दियों में हम लड़ा करते थे, फिर भी हौसला एक एक जवान में था जो पीछे नहीं हटा और पूरे हौसले के साथ इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने का काम किया। और मुझे लगता है हमारे वाली पीढ़ी ने तो शायद कारगिल तक देख लिया, अगली पीढ़ियों ने तो सुना सुना होगा, मगर आज सिखाने की बहुत जरूरत है। किसी को 71 का याद है, किसी को 61 का याद है, किसी को 65 का याद है, किसी को कारगिल का याद है। कि जो नई पीढ़ी आज स्कूल में पढ़ती है, इनको याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे वीर योद्धा थे जब गोलियों की कमी के बाद भी छोटे छोटे खंजरों के साथ पाकिस्तानियों से लड़ा करते थे, चीनी फौजों से लड़ा करते थे। बुजुर्गों युवा साथियों, मैं तो एक चीज जरूर कह सकता हूं कि हमें उन वीर योद्धाओं को निरंतर नमन करना चाहिए और हर वर्ष इसी तरीके से शहीद चंद्रभान साहू को आप लोग यहाँ याद करने का काम करो। मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी कि पहली मांग गांव की तरफ से जो मेरे पास आई वो थी कि हमारे स्कूल का नाम उस शहीद के नाम पे लिखा जाए जिसने गांव के अंदर प्राथमिक तौर पे बलिदान देने का काम किया। और आपको बताना चाहूंगा ये मांग मेरे तक आनी भी नहीं चाहिए थी, बहुत कम गांव वालों को पता है, मगर आज से 2.5 साल पहले जब राज बना तो पहली चिट्ठी को हमने निकाली थी वो ये थी कि अगर ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है कि गांव के स्कूल का नाम गांव के शहीद के नाम होना चाहिए तो एक हफ्ते में डिप्टी कमिश्नर परमिशन देगा और गांव का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। और मैंने जींद में 26 जनवरी को यह निर्णय लिया कि जींद के 77 आज तक जवान शहीद हुए हैं तो 77 के 77 स्कूल्स को हमने एक हफ्ते में उन शहीदों के नाम पर नामांकित करने का काम किया। आज आप जींद में पता कर लेना रिश्तेदारियों में कि अगर गांव में जवान सेना में शहीद हुआ था तो स्कूल के दरवाजे पे उसका नाम है। और मैं तो डीसी साहब को भी कहूंगा बैठे हैं यहाँ पर कि इस टारगेट को आप लो, अगर कोई हेड नहीं है पेंट कराने का तो मेरी डिस्क्रिशन से पैसे लो, मगर अगले एक महीने में दादरी का ऐसा कोई स्कूल नहीं होना चाहिए कि गांव के शहीद का नाम उस स्कूल के दरवाजे पे ना। और ये तो जहां गांव रानीला की बात है, सरपंच साहब कल सोमवार है, कल शाम को आपने मेरे को फोटो भेजनी है तो जेब से खर्चा करना पड़े पेंट का,
गांव का नाम शहीद चंद्रभान के नाम पे आप लिख करने का काम करो। जहां बुजुर्गो युवा साथियों, आपके यहाँ पर कॉलेज की एक मांग है। हमारी सरकार ने दो कदम उठाए थे, एक तो एक जगह सारे कॉलेज ना बन जाए, इसलिए एक आंकलन किया था कि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी शिक्षण संस्थान कॉलेज है तो उसको प्रायोरिटी पे नहीं, फिर उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से हम टेकअप करने का काम करें। और इस बार भी सरकार ने 4-5 नए कॉलेजेस अनाउंस करे। पहली चीज तो ग्राम पंचायत 10 एकड़ जमीन देने को तैयार हो एक, और दूसरा 20 नहीं तो 15 किलोमीटर के अगर रेडियस में कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, तो इसको मैं भी प्राथमिक तौर पर लूंगा कि यहाँ पर फिर वो व्यवस्था बढ़ाई जाए जहाँ बच्चियों बच्चों को पढ़ने के लिए महाविद्यालय का यहाँ निर्माण। जहाँ सरपंच साहब ने लिख तो दिया कि सरसों खरीद का केंद्र बनाया जाए, मैं तो आज घोषणा कर देता हूँ, अगर सरसों ले आओ तो सारी सरकार खरीद दे। आज भाव 2000 ऊपर है, हमारी तो मंडियां खाली पड़ी है। और अगर आप चाहोगे कि सरसों की खरीद केंद्र बनाना है और कागज पे लिख के भेजना है, तो फिर मैं आपसे चाहूंगा कि 1000 क्विंटल सरसों ले आके मंडी में बिकवानी भी पड़ेगी MSP पे, 2000 जेब से भरने पड़ जाए किसान को, मेरे MSP पे ले आके दोगे। अगर पक्की मंडी बनवानी, पक्की मंडी के लिए आप जमीन देने को तैयार हो, प्रपोजल बनवाओ, हम मार्केटिंग बोर्ड को कहेंगे, जैसे जैसे उनके पास आपके फंड होंगे, हमें तो चाहिए। जब इधर धर्मवीर जी भी रहे हुए हैं स्टेट में, मैं इनसे पूछ लो, गेहूं के 200 परचेज सेंटर होते थे, कोरोना आया कितने बना दिए, 2000, इस बार भी 400 निर्धारित है। सरसों के कभी 50 से ज्यादा मंडियां परचेज सेंटर नहीं थी, इस बार 105 तो हमने निर्धारित करी है। और हमने तो कोशिश करी है किसान को सबसे कम रास्ता लेना पड़े मंडियों के अंदर जाने के लिए, रात को मंडियों पर रुकना ना पड़े, उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाए भी सुबह 10 बजे या 2 बजे अपना अनाज लेके आए और सरकार उसको खरीदने का काम करे। और पहले तो 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद होती थी, ये पहली बार है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद को पूरे हरियाणा प्रदेश में हम सुचारू तौर से चलाने का काम करें। जहां ये छोटे छोटे रस्तों की बात है, इन रस्तों के लिए इस बजट के अंदर, क्योंकि नए रस्ते अब बनाना लगभग खत्म हो चुका है, हम अगर 7 क्रम के रस्तों की बात करें हरियाणा प्रदेश में, लगभग कोई एक आधा बचा हो, कोई नया निकल जाए तो मुझे पता नहीं, लगभग बन चुके। और पिछले साल अगर 2 है तो दोनों के दोनों, ये तो जल घर से नथुवाड़ा तक है, अगर दोनों है तो मेरी गारंटी अगले 1 साल में दोनों बनवा दूंगा। मगर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ रस्ते की बात है, हमने तो पिछले साल मार्केटिंग बोर्ड से 6 क्रम के ले लिए और 70% 6 क्रम के रस्तों को भी मार्केटिंग बोर्ड से लेकर दोबारा ठीक कराने का काम किया। और ये टारगेट है बचे हुए जो हमारे 30-40% रस्ते हैं उनको इस साल हम पूरा करें। और इस बार बजट में हमने स्पेशल प्रोविजन रखी है कि 300 किलोमीटर तो नए रस्ते बनाएंगे, मगर उसके साथ 50% जो बजट का है, अगर 4,800 करोड़ रुपया है तो लगभग सड़कों का होगा 3,233 करोड़, और 3,200 का आधे की बात करूं तो 1,600 करोड़ रुपया इस साल इसी पे लगाया जाएगा। जैसे सड़कें बनेगी 5-7 साल हो गए, अफसर लिख के भेज देते हैं मोटरेबल कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री, हम उस सेटिस्फैक्ट्री शब्द पर नहीं जाएंगे, हमारा टारगेट रहेगा कि वो मोटरेबल कंडीशन पर लेकर आए, उन पे गाड़ियां दौड़ती चले और सारी सड़कों को अगले 3 सालों के अंदर दुरुस्त कर उनकी रिकार्पेटिंग और रिस्ट्रेंथनिंग कराने का काम करेंगे। जहां आपके गौशाला के अंदर शेड बनाने की बात है, इसको मनरेगा से तुरंत हम टेकअप करेंगे और मनरेगा के माध्यम से जो भी 15-17-20 लाख रुपए शेड के लगे उसको हम इमीडिएटली टेकअप करके उस शेड को बनाने का काम करेंगे। जहां एक साथियों की डिमांड आई है कि हमारे पार्क में ओपन जिम बनाया जाए, तो मैं मेरी डिस्क्रिशन से 1 अप्रैल को ही आपको भिजवा दूंगा कि वो ओपन जिम बनवाने का काम करे, तो अच्छी चीज है। जहां ये छोटे छोटे काम है, जैसे रिटेनिंग वॉल बनाई जाए, इस
अपने शहीद की मूर्ति की चार दीवारी बनाई जाए, ये मैं डीसी साहब को दे दूंगा आपकी डिमांड, एक हफ्ते में इन सारी चीजों का करके, और जो जो एचआरडीएफ से या जो जो अदर डिपार्टमेंटल फंड से होने वाले काम है उनका आप प्रपोजल भिजवा दे। और खास तौर पर जो बात रखी गई, और मुझे खुशी है कि 13 में मुझे आने का मौका मिला था, 13 के बाद 9 साल हो गए आज, आप लोगों ने दोबारा बुलाया, और एक मांग उस समय ग्राउंड की थी, ग्राउंड तो आपके यहाँ है मगर ग्राउंड के अंदर फैसिलिटेशन की बात है भी, कौन कौन से गेम, किस किस तरह की व्यवस्था है। अगर आपको इंडोर हॉल चाहिए किसी एक स्पेसिफिक गेम के लिए, जैसे कबड्डी हो, टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, या फिर आपको अपने ग्राउंड को ही व्यवस्थित तौर पे सुधारने का काम करना है, वो आप बैठ के स्पोर्ट्स, मैं चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर 3 अधिकारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, पंचायत डिपार्टमेंट के यहाँ नियुक्त कर दे, जो गांव में आके कौन से खेल को हम एक्सेल कर सकते हैं, उसके सेंट्रिक कितना बड़ा हॉल चाहिए, उसका प्रपोजल मेरी तरफ से बना के एचआरडीएफ से अप्रूव करवा ले कि हॉल की व्यवस्था गांव में आ जाए। मैं तो दोबारा तमाम ग्रामवासियों का, क्योंकि वो छोरियों का कबड्डी मैच भी है और वो 5 बजे का टाइम था, मैं तो अब घड़ी देखी 6:05 हो गए, उनने भी फिर दूसरे प्रदेशों में जाना है, फाइनल है आज ऑल इंडिया का, तो आप सब आए, आपने शहीद चंद्रभान साहू को आज यहाँ नमन किया, इसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।